हेलो मेरे देवलोक के पॉप लवर्स, वेलकम टू देव 2.0। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयार आ चुके एक और नए मजेदार और सालेदार रिएक्शन वीडियो के साथ में वापस। और अभी हम जिस गाने पे प्रतिक्रिया देने वाले हैं, उस गाने का नाम है स्ट्रीट टॉक और ये गाना है मुझे बन टाई का, प्रोड्यूस किया है मी मैक्स ने। सो देखते हैं क्या कुछ गाने में रिएक्शन दूंगा, रिव्यू दूंगा लास्ट में कि मुझे गाना कैसा लगा पर्सनली, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है गाने के बारे में लास्ट में बताऊंगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, 700 के बहुत करीब है, फटाफट हिट करते हैं, देन वी आर रेडी टू गो टू 1K। सो या फटाफट करवा दो, शुरू करते हैं। बूम, मिंटा मी मशीन या मी मैक्स, इबी एमी बंटाई, बहुत स्लो जा रहा है वाइब। रखता खुद को शांत करता मेडिटेशन, नो मनी ऑन प्रमोशन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, गाना 1.5 मिनट का बना दूंगा, फक ड्यूरेशन, 17 मिलियन मेरे यूट्यूब पे रखा मैं पेशेंस, सीधा डिस सीधा डिस। ओके ओके ओके, सो फुल ऑन फ्लेक्स चालू है, सीधा डिस सुनना पड़ेगा, बैक करके सुनते दोबारा। 17 मिलियन हो चुके हैं मेरे और 1.5 मिनट का मैं गाना बना दूंगा, तब भी पब्लिक सुनती है, ड्यूरेशन का मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सो या ऑल दिस थिंग्स लाइक पूरा फ्लेक्स चालू है। काम करता मेडिटेशन, नो मनी ऑन प्रमोशन क्योंकि स्ट्रांग फाउंडेशन, गाना प्रमोशन नहीं करता, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है। 17 मिलियन मेरे यूट्यूब पे रखा मैं पेशेंस, सीधा डिस सीधा डिस, इट इज व्हाट इट इज, मेरे जैसे नहीं बन पाए हैं बचकाने इनके डेस, अगर पूछना है यहां पे तो फिर गांड जाके घेस, मुझसे नफरत जो कर रहे ले उनकी बहुत बड़ी ले, बोल बड़ी किस तरह से मुझसे करेगा कंपेयर, इन लोगों से ज्यादा हर जगह पे बिच आई एम गेटिंग पेड, इंडिपेंडेंट बोलने के लिए चाहिए अंदर डेयर, ये लिफ्ट लेके आ रहे अपन चला रहे ले पैर, ओनली हार्ड वर्क लग से पहले फेस कर पे हार्ड लग, सालों लग जाते सीखने को बेटा स्मार्ट वर्क, स्पिट करूं माइक पे ये थूक नहीं है स्टारडस्ट, शौड़ी को में लगता जवा चिप फ्रॉम द स्टारबक्स, जो इनके ख्वाब अपन जी रहे ले, सबको लगी घाय मेरा भाई जरा धीरे से, दूसरे को भी तो जीने दे, आज इसी में बैठे ले पहले भीगे ते पसीने में, गौर से सुना आवाज जो गुंजरी सीने से, बंटाई बदल दिया पूरा सीने से, जिसको भी खबर नहीं रात पूरा सोवर नहीं, बहुत लंबी पारी है बे, गेम होगा ओवर नहीं, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, 7 साल का जर्नी, छाती ढोक के बोलू बेड़ा किसी का भी डर नहीं, खुद बने लाला इसलिए किसी का फिकर नहीं, इनके गाने नहीं चलते अगर उसमें मेरी जिक्र नहीं, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, 7 साल का जर्नी, छाती ढोक के बोलू बेड़ा किसी का भी डर नहीं, खुद बने लाला इसलिए किसी का फिकर नहीं, इनके गाने नहीं चलते अगर उसमें मेरी जिक्र नहीं, कभी फील करूं अच्छा कभी फील करूं लो, फिर भी मोटिवेशन देता ऐसा इंसान हूं मैं ब्रो, कंसिस्टेंटली ड्रॉप किया मेरे गाने हुए ब्रो, काफी टफ टाइम चल रहा था जब हो रहा था मैं ग्रो, लेट इट गो सिंपल मैं भी प्रो, मेरा फ्लो सिर्फ 10 लोग आए थे आज, सोल्ड आउट है शो क्वार्टरली, 70 लाख कमाता मैं गाने से, फीचरिंग का कितना लूंगा सोच लेना ब्रो, वैल्यू अप शट अप नहीं करना चीप टॉक, नेशनल रैपर बोलो मेरे पंख फैले जैसे पीकॉक, सब लोग देख के अचंभा है क्योंकि मुझे इतना ऊपर लेके आ गया है मेरा स्ट्रीट टॉक, क्या बोलते बच्चे बंटा बहुत बिल्ला क्या, रस्ते में बोलते थे आज माइक पे बोल रहे ले, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, 7 साल का जर्नी, छाती ढोक के बोलू बेड़ा किसी का भी डर नहीं, खुद बने लाला इसलिए किसी का फिकर नहीं, इनके गाने नहीं चलते अगर उसमें मेरी जिक्र नहीं, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, 7 साल का जर्नी, छाती ढोक के बोलू बेड़ा किसी का भी डर नहीं, खुद बने लाला इसलिए किसी का फिकर नहीं, इनके गाने नहीं चलते अगर उसमें मेरी जिक्र नहीं, मालूम है ना सही है, मजे की बात तो ये कि नाउ इज साइंड विद हिम लाइक बंटाई रिकॉर्ड्स, तो डेफिनेटली अब ये कोई नहीं बोल सकता कि बंटाई रिकॉर्ड्स में लिरिकल आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि तोड़ नहीं है उस बंदे का लिटरली, अगर वो चॉपर पे आ गया ना तोड़ नहीं है, ढूंढ वो एमए का डर ना लोटा लेके भागोगे वही वाला हाल है। सो यार डेफिनेटली ये वाले गाने के बारे में बात करते हैं, तो फुल ऑन फ्लेक्स चालू था, जो भी चीज़ें बोली है कि मैं शुरू से ऐसा करता आ रहा हूँ, अपनी पूरी जर्नी बताइए लिटरली कि सिर्फ 10 लोग आते थे मेरे शो पे और आज 60-70 लाख मैं क्वार्टरली उठाता हूँ, 3 महीने में सिर्फ शो से उठाता हूँ, तो बस सोच ले भाई कि मैं फ्यूचर का कितना लूँगा, राइट।
तो वो बस अपना फ्लेक्स कर रहे हैं कि आज मेरी वैल्यू इतनी है और मैं अभी यहाँ पर हूँ। इन लोगों के गाने नहीं चलते, अगर मेरा जिक्र नहीं होता गानों में तो लोग मुझे सबलिमिनल मार मार के व्यूज़ छाप रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। मेरा नहीं भाई, तो मेरे चैनल पर मत बकवास करना कुछ। सो या डेफिनेटली गाने को सुन करके मज़ा आया, क्योंकि मैं वाइब लेता हूँ गाने की, फीलिंग्स मेरे को अच्छी लगी। सो या बीट काफ़ी सही प्रोड्यूस करी थी मीम मशीन ने, काफ़ी अच्छी बीट प्रोड्यूस करी थी डेफिनेटली। जो हिट कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं उसको, स्नेयर्स जो हिट कर रहे थे ना, बहुत सही हिट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। सो डेफिनेटली लिरिक्स भी इस बार काफ़ी इम्प्रूव थे, अच्छे लगे मेरे को। मज़ा आएगा गाने को सुन करके। ओवरऑल आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओ, ठीक है। क्या विचार है आपके गाने के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। फटाफट वन के एड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट माय फ्रेंड्स।